सब्सक्राइब कीजिए डिवोशनल स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षर, आप देख रहे हैं डिवोशनल स्टडी। आज डिवोशनल स्टडी में हम लोग बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। सो हम लोग यहां से स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आइए जानते हैं कि क्या होती है जावास्क्रिप्ट एंड कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक लाइट वेट इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। इसको डिजाइन किया गया था हमको नेटवर्क सेंट्रिक एप्लीकेशंस बनाने के लिए, इसका बेसिकली यूज किया गया था। अगर मैं बात करूं नेटवर्क सेंट्रिक या क्लाइंट बेस्ड लैंग्वेजेस की, यानी कि अगर आप किसी लैंग्वेज को क्लाइंट साइड पे चलाना चाहते हैं, यानी कि लोकली आप किसी को रन करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है वो है जावास्क्रिप्ट। यानी कि फंक्शनैलिटी देने के लिए, डायनेमिक फीचर्स देने के लिए किसी भी वेबसाइट को, ठीक है। इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री, या आप अगर मैं इसको बोलूं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है या इंटीग्रेटेड है बेसिकली जावा की तरह, या अगर आपको अगर सी लैंग्वेज आती हो तो ये काफी हेल्पफुल होगी आपको लर्न करने में। जावास्क्रिप्ट बेसिकली बहुत इजी है इंप्लीमेंट करने में बिकॉज ये इंटीग्रेट होती है एचटीएमएल के साथ। यानी हम इसको यूज करते हैं वेब के ऊपर, अगर एचटीएमएल की बात हो रही है यानी कि उसको हम वेब के ऊपर यूज करेंगे, और साथ ही साथ हम इसके साथ CSS का भी यूज कर सकते हैं। ये एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है और क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का लैंग्वेज का मतलब है हम इसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको इस ट्यूटोरियल को सीखने से पहले क्या चीजों की जरूरत होगी, वो होगी सिर्फ और सिर्फ HTML की। अगर आपको थोड़ी यू नो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में पता है या थोड़ी बहुत आइडिया है तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए। तो चलिए मैं बात करने वाला हूं अब हम इसको कैसे ऑनलाइन एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे इसको काम में लाएंगे, और इसका सबसे अच्छा तरीका है एक एग्जाम्पल से इसको जानने का। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन के अंदर और हम लोग बात करेंगे यहां पर जावास्क्रिप्ट कैसे हम यूज करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं मैं आ गया हूं अपनी कोडिंग स्क्रीन के अंदर और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू रन अ प्रोग्राम और हाउ टू राइट अ वेब पेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन जावा जावास्क्रिप्ट। ओके, सो सबसे पहले यहाँ बात करें कैसे हमें जावास्क्रिप्ट को यूज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसको सेव करूंगा, ठीक है, डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं इसको जावा script.html के नाम से सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वो क्या करना है, सबसे पहले ये इंटीग्रेटेड होती है HTML के थ्रू, तो उसी के लिए यानी उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे काम करना है। तो इसका जो पहला प्रोग्राम होगा वो आप कैसे बनाएंगे, आपको बनाना है कुछ भी, कोई भी एलिमेंट जो आप बना सकते हैं HTML के ऊपर, उसको हम यू नो फीचर्स देंगे या उसको हम फंक्शंस देंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो चलिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक एंकर टैग, या चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बटन के थ्रू, मैं यहाँ पे एक बटन बनाना चाहता हूँ। तो मैंने बटन बनाया है, बटन के ऊपर मैं ऑन क्लिक फीचर दूंगा। इस ऑन क्लिक के ऊपर मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा जो हम जावास्क्रिप्ट में उसकी डेफिनेशन देने वाले हैं। तो बहुत इजी सी चीज है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ, फंक्शन का नाम देता हूँ क्लिक मी, ठीक है। नाम का मैंने यहाँ फंक्शन बनाया है, इसको यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ बिना किसी पैरामीटर के, और इसके ऊपर मैं जो बटन का नाम देता हूँ वो देता हूँ क्लिक मी, ठीक है। इसको सेव कर लिया है। अब इस क्लिक मी की डेफिनेशन कहाँ दी जाएगी, वो भी हम फिलहाल इसी के अंदर यूज करेंगे, मैं सेपरेट फाइल नहीं बना रहा। तो अगर मुझे जावास्क्रिप्ट या स्क्रिप्टिंग यूज करनी है तो उसके लिए मुझे स्क्रिप्ट टैग का यूज करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। अब इसको हम फंक्शन को डेफिनेशन देंगे, तो यहां पे मैं फंक्शन बनाऊंगा, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा फंक्शन स्पेस फंक्शन का नाम और हमारी फंक्शन बॉडी की स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मैं यहां पर एक दूसरा जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर जिसको कहते हैं हम अलर्ट, इस अलर्ट को हम यू नो कॉल करेंगे और इसके अंदर कोई भी एक टेक्स्ट या कोई भी मैसेज जो हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो हम दे देंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू डिवोशनल स्टडी, ठीक है। सेव कर लेते हैं इसको और हम जाते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर या इस कोड के को रन करने के लिए हमारे डेस्कटॉप पे जहां पे हमने इसको सेव करा। तो आप ये देख सकते हैं, इसको जल्दी से रन कर लेते हैं।
तो मैं जैसे इसको रन करूंगा, आप देख सकते हैं बटन आ गया है, उसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो है क्लिक मी। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर एक फंक्शन कॉल होता है, उस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर हमने एक अलर्ट मैसेज पास किया था, जिसकी वजह से ये अलर्ट पॉपअप हुआ, और उस अलर्ट के अंदर जो मैसेज था वो था ये। ठीक है, इसको दोबारा मैं क्लिक करूंगा, फिर वही काम करेगा। तो ये होता है एक बेसिक एग्जांपल। ये मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल दिया है, एक बेसिक ओवरव्यू दिया है, जिससे आपको ये समझ में आए कि जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है, और अगर बेसिक चीज अगर हम समझना चाहते हैं विद जावास्क्रिप्ट, तो ऐसे ही काम करेगा। तो आई होप बिलीव कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, क्या जावास्क्रिप्ट होती है, क्या कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, और हमने कैसे इंप्लीमेंट किया, ये आपने देखा यहाँ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें पेटीएम के थ्रू, इफ अगर आपको मेरा काम पसंद आया है। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जहां मैं आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में और बहुत कुछ बताने वाला हूं। तो तब तक के लिए सी यू गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय।